झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरु भक्त मंडल महिला मंडल गंगधार द्वारा भव्य चुनरी यात्रा निकाली व विराट दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। चुनरी यात्रा हजारीबाग से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों पर होते हुए मां काली सिंध के तट पर पहुंची, जहां माता को 1011 फीट की चुनरी उठाई गई। पिछले चार वर्षों से पूज्य गुरुवार श्री नमन जी वैष्णव के आतिथ्य में आयोजन होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव में प्रातः 5 बजे गुरुगादी पूजन किया गया, जिसके बाद 11 बजे चुनरी यात्रा निकाली गई तथा 1 बजे गुरुवर प्रवचन कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां काली सिंध को चुनरी उठाई गई। इस अवसर पर चौमहला, गंगधार, मल्हार गमनज, चिश्तीपुरा, रुझाना सहित क्षेत्र के गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। खबर आपकी राजस्थान, मनोज कसेरा की रिपोर्ट। की पवित्र पावन भूमि पर मां काली सिंध को 1001 फीट की जो चुनरी उड़ाई गई है गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में, तो चुनरी का बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। मां जो काली सिंध बह रही है, हम सभी को जल प्रदान कर रही है, हम सब पर आशीर्वाद प्रदान कर रही है, तो वर्ष में कम से कम एक बार तो ऐसा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बेटे हैं, पुत्र हैं माँ के, तो हम माँ के चरणों में वंदन करें। तो ये हमारी श्रद्धा, ये हमारी आस्था का एक स्वरूप है चुनरी के रूप में, जो हम माँ को उड़ाने के लिए माँ के चरणों में आते हैं।